भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है। यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांव तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए
ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलियान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। कार्यक्रम देखैया जम्मू किसान भाई मल्ला, जय जोहार। किसान भाइयों, हमन अपन कार्यक्रम में नाना प्रकार के कृषि संबंधी वैज्ञानिक और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी देथन। हमर कार्यक्रम के उद्देश्य है कि किसान भाई मन के आय में दुगुना वृद्धि हो और घर जीवन खुशहाल हो। आज हमन आए हैं जिला बेमेतरा के परसबोड़ गाँव में भाई चितरंजन साहू के यहाँ, जो पपीता के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती करके अपन जीवन ला खुशहाल बनावत है। अपन पिता दुर्गेश साहू के मदद से आधुनिक और वैज्ञानिक खेती करत है पपीता के। तो पपीता के वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, आओ जानकारी लेते हैं। पपीते के लिए अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों का मानना है कि संकर किस्में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से उत्तम किस्मों से उत्पन्न होता है और इस बात की पूरी संभावना होती है कि संकर बीजों से उत्पन्न लगभग सभी पौधे मादा या उभयलिंगी होते हैं। इसलिए संकर किस्मों का रोपण ही किसानों के लिए हर तरह से फायदे का सौदा होता है। पपीते की सफल खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कृषि के जानकारों द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को पपीता उगाने की राय दी जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान पपीते के मुताबिक ही होता है। मैं आधुनिक खेती करता हूँ पपीते की। मैं अपने पिताजी के साथ पपीते की खेती स्टार्ट किया। हमारे यहाँ बहुत जमीन है, लेकिन यहाँ पहले दादाजी चना, गेहूँ, धान ये सब लगाते थे। उसके बाद इतना प्रॉफिट नहीं दिखता था हम लोग को। उसके बावजूद भी हमारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर था। उसके बाद मेरे पिताजी मोंगाव फार्म से कुछ जानकारी हासिल करके सब पपीता खेती कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कितना प्रॉफिट है, सब की जानकारी ली। वहाँ से जानकारी लेके यहाँ पपीता लगाने की सोची। पपीते की उन्नत खेती के लिए बीज चयन में सतर्कता और सावधानी भी आवश्यक होता है। पपीते की उन्नत किस्में ही इसकी व्यवसायिक खेती का मुख्य आधार हैं। इसलिए उम्दा किस्मों के बीज खरीदकर उसके पौध तैयार कर खेती करना ही लाभप्रद होता है। कृषि वैज्ञानिक पपीते की अच्छी पैदावार के लिए और अधिक उत्पादन के लिए भूमि के मान से बलुई दोमट भूमि की सिफारिश करते हैं। पपीते के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी के समय ही मादा निर्माण कार्य कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। तत्पश्चात मादा का निर्माण किया जाना चाहिए। पपीता उत्पादक किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की राय होती है कि पपीते की सफल खेती के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम 45 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो,
ताकि वायु के संचार में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पपीता की खेती करने के लिए इसमें भूमि तैयारी करना पड़ता है। भूमि तैयारी में सबसे पहले मिट्टी को पलटने के लिए प्लाऊ से पलटते हैं। उसके बाद मिट्टी को बारीक करने के लिए इसमें हैरो चलाना पड़ता है। हैरो चलाने के बाद मांदा बनाने के लिए इसको मिट्टी रेजर मशीन आता है, उससे ना मांदा बनाते हैं। ये तो मांदा बन गया। भूमि तैयारी में एक आवश्यक बात रखना पड़ता है कि मिट्टी को एकदम ढलान बनाना पड़ता है। भूमि तैयारी में ढलान बनाने के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ढलान क्यों बनाते हैं। इसमें बरसात के मौसम में इसमें पानी ना रुके, क्योंकि पपीता का पौधा पानी में सड़ जाता है। इसमें जड़ गलन बहुत जल्दी लगते हैं। फसल पूर्व खेती की तैयारी के ही अंतर्गत प्रक्षेत्र को आड़ी और खड़ी 2 से 3 बार जुताई कर पाटा चला देना चाहिए। खेत को खरपतवार से खाली कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी इस तरह से की जानी चाहिए कि पपीते का रोपण पौधे से पौधा 2 मीटर और कतार से कतार 2 मीटर की दूरी पर किया जा सके। वर्तमान सघन रोपाई तकनीक में पौधे से पौधे की दूरी 1.25 मीटर और कतार से कतार की दूरी 1.8 मीटर रखी जाती है। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी, इसने पिला दिया ना तुझे पानी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। पपीता के खेती में जल प्रबंधन के बड़ा महत्व है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेथन। सिंचाई की पद्धति ड्रिप या टपक पद्धति ही सर्वोत्तम होती है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई की सहायता से लगभग 20-40% उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले फल के प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पपीते की जड़ और पौधे की प्रकृति कुछ इस प्रकार से होती है कि जल निकासी की व्यवस्था उत्तम ही रखनी चाहिए।
पपीते की खेती में सिंचाई के लिए टपक पद्धति को उपयुक्त इसलिए भी माना जा सकता है कि इसमें सिंचाई के पानी को तने से दूर रहना चाहिए और रिस्क जड़ों तक पहुंचना चाहिए। सामान्यतः छत्तीसगढ़ की जलवायु में पपीते की फसल को औसतन 550 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि टपक पद्धति ही अपनाई जा रही हो तो सिंचाई शरद ऋतु में सप्ताह में दो बार और ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन या एक दिन के अंतराल में देना चाहिए। पपीते के लिए ड्रिप पद्धति से सिंचाई एक और कारण से बेहतर मानी जा सकती है, वो ये है कि इस विधि के द्वारा पौधे के जड़ों में घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई के साथ ही साथ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही पपीते की उन्नत खेती में मादा निर्माण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मादा कई तरह से काम करता है, ये जल निकासी को आसान बनाता है, उर्वरकों की अपव्ययता को रोकता है, पौध परीक्षण में सहायता प्रदान करता है। पपीते के रोपण के लिए तैयार उचित माप के गड्ढों की मिट्टी को 15 से 20 दिनों के लिए खुली हवा में और धूप में रखने के बाद गोबर की खाद 10 किलोग्राम, सुपरफास्फेट 200 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 75 ग्राम और एंडोसल्फान 50 ग्राम मिलाकर भर देना चाहिए। उचित तरीके से पपीते का रोपण हो जाने के पश्चात 5 से 6 महीने के अंतराल में फल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक पत्ती की कक्षा से फूल निकलते हैं। किसान भाइयों, पपीता के खेती में खाद प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। जितका बढ़िया खाद संतुलित खाद प्रबंधन करबो उतका बढ़िया उत्पादन में वृद्धि होगी। तो पपीता के खेती में कब कब और कतका मात्रा में खाद डालना है आओ जानकारी लेथन। पपीते में पौधे की बढ़वार और फल आने का काम लगभग साथ ही साथ चलता रहता है, इसलिए इसमें उर्वरक कई मर्तबे डालने की जरूरत पड़ती है। सिफारिश मात्रा में उर्वरक पौधे के चारों ओर तने से दूर फैलाकर देना चाहिए। उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि उर्वरकों को ड्रिप पद्धति से सिंचाई के माध्यम से देना हो तो ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो जल में घुलनशील हो। किसान भाई, इसमें खाद प्रति एकड़ 2 ट्राली गोबर खाद, मुर्गी खाद और 40 केजी पोटाश, 40 केजी यूरिया, मैग्नीशियम 25, ये सब लगते हैं। किसान भाई हो, पपीता के फसल में रोग राई लगे के भी डर रही थे, तो ये रोग से बचे के लिए कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए आओ जानकारी लेता। कुछ कीट हैं जिनसे अपने पपीते की फसल को वैज्ञानिक विधि द्वारा बचाए रखना चाहिए, जैसे लाल मकड़ी और माहू नामक कीट। पपीते की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग इस प्रकार से हैं। आद्र गलन, ये फफूंदी के द्वारा होने वाला एक गंभीर रोग है। इस रोग में पौधे का तना प्रारंभिक अवस्था में गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए बीज का भली भांति उपचारित होना जरूरी होता है। मोज़ेक पपीते का वायरस से होने वाला एक रोग होता है। इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय तो ये होता है कि प्रभावित पौधे को ही उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। आप सभी युवा भाई को ये बोलना चाहता हूँ कि आप नौकरी के चक्कर में ना पड़कर आप पपीते की आधुनिक कृषि करें, जिससे लागत मुनाफा बहुत बढ़िया है। तो ये मैं बतावा थे कि अच्छा आमदनी करके 2 लाख के करीब माल बिक जाते और मैं 70,000 खर्चा आवा थे, तो 1,30,000 प्रति एकड़ ये में आमदनी मिला थे। तो हमला बड़ा खुशी हुआ थे कि ऐसने हम चाहत हन कि गांव के किसान मन हाँ आगे बढ़ाए, और आज ये ला देख के हम किसान भाई मन ला मैं कहा था कि सब कोई ऐसने केरा पपीता के खेती करन और अपन किसानी ला आगे बढ़ावन। होगा तीमा बैठा हो, आओ साहेब आजा।
देखे किसान भाई हो, पपीता के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती में कतका फायदा है। तो आप मन भी वैज्ञानिक और आधुनिक तरीका से पपीता की खेती करो और अपन जीवन ला खुशहाल बनाओ। आज बर अतके अवैया अंक में नवा नवा जानकारी लेके उपस्थित होबो। अब देवा विदा, जाय के बेरा होगे। जय जोहार।